हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 के बारे में। ठीक है, इसके पहले पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा कि ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट कौन कौन सी होती हैं और कंक्रीट को प्रभावित करने वाले, कंक्रीट के जो प्रोपोर्शन होते हैं उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इन सब के बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। वहाँ पे सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी की और वहाँ से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जिसका पार्ट 2 आज हम देखेंगे। ठीक है। तो पार्ट 2 में हमें क्या देखना है, पार्ट 2 में जो देखना है, ठीक है, पहले टॉपिक हमारी आती है पार्ट 2 में देखने के लिए, वो आता है टाइप्स ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट कितने प्रकार की होती है। अब तक हमने क्या पढ़ा, सीमेंट कितने प्रकार की होती है। ठीक है, सीमेंट के प्रकार हमने पढ़ लिए, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो कंक्रीट के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कंक्रीट कितने प्रकार की होती है। सॉरी। टाइप्स ऑफ कंक्रीट, जनरली जो कंक्रीट हमारी होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली जो हमारी होती है नॉमिनल मिक्स। ठीक है, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, जिसको हम हिंदी बोलते हैं साधारण या फिर नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड वन इच के हमारा आता है, वो होता है हमारा कंट्रोल्ड। ठीक है, कंट्रोल्ड मिक्स कंक्रीट जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड या फिर डिजाइंड मिक्स कंक्रीट, नियंत्रित या फिर अविकल्पित मिक्स कंक्रीट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट या फिर साधारण मिक्स कंक्रीट, और दूसरा हमारा कंट्रोल्ड या फिर डिजाइंड मिक्स कंक्रीट, ये हमारा होता है। ठीक है, अब हम एक करके देखते हैं कि नॉमिनल मिक्स क्या होता है, कंक्रीट और ये कंट्रोल मिक्स कंक्रीट क्या होता है। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम पहला क्या है हमारा नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। ठीक है, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, यहीं पे हम आपको डेफिनेशन के साथ साथ अंतर भी दोनों में बताते चलते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर बताते चलते हैं। इधर हम लिख देते हैं नॉमिनल मिक्स, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, इधर हम लिख देते हैं कंट्रोल्ड मिक्स कंक्रीट। ठीक है, ये हो गया हमारा, दो पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर लिया, पहला क्या नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, दूसरा कि कंट्रोल्ड मिक्स कंक्रीट। ठीक है, अब हम इन दोनों के डिफिनेशन के साथ साथ क्या करते हैं कि अंतर भी देखते चलते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। जो अंतर है, डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अंतर होता है इसका, ठीक है, जो डिफरेंस होता है, ये आपका एग्जाम में लगभग लगभग तय ही होता है कि आ ही जाना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा रेयर केस में ही होता है कि नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर ये आ जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें जो पहला आता है नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, ठीक है, नाम से पता चल रहा है नॉमिनल, जैसे हमने बताया हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, साधारण या फिर नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। ठीक है, तो साधारण मिक्स कंक्रीट क्या होता है कि जनरली जो हम जैसे बनाते हैं किसी एक प्रोपोर्शन का ना लेके, ठीक है, एक अनुपात में ना लेकर के ऐसे ही हम कोई माप ले लेते हैं, उसी हिसाब से ले लेते हैं, एक किसी डिजाइन द्वारा नहीं लेते। ठीक है, एक डिजाइन उसके लिए नहीं करते कि इतना ही इतना में लेना है, उसमें कम ज़्यादा हम करते रहते हैं, जिस हिसाब से हमें चाहिए होता है, जितनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है उस हिसाब से हम खुद से कम ज़्यादा कर लेते हैं, कोई इसका फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता कि इसी फिक्स प्रोपोर्शन में हमको चाहिए होता है, तो हमारा नॉमिनल मिक्स कंक्रीट होता है। और ये कंट्रोल्ड मिक्स कंक्रीट, ठीक है, जिसको हम डिजाइंड मिक्स कंक्रीट भी बोलते हैं, ये क्या होता है हमारा,
कि नाम से पता चल रहा है डिजाइंड मिक्स कंक्रीट, ठीक है, या फिर कंट्रोल्ड मिक्स कंक्रीट, नियंत्रित या फिर डिजाइंड, ठीक है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं, फिर जो डिजाइन द्वारा हमारा कंक्रीट बनाया जाता है उसको हम डिजाइंड मिक्स कंक्रीट या फिर कंट्रोल्ड मिक्स कंक्रीट बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आता है नेक्स्ट, ठीक है, अंतर क्या लिख सकते हैं इसमें, कि इसमें कंक्रीट मिक्स पुरानी या फिर अवैज्ञानिक ढंग से तैयार की जाती है, जो नॉर्मल मिक्स होता है इसमें क्या होता है कि अवैज्ञानिक ढंग से, ठीक है, अवैज्ञानिक ढंग से क्या करते हैं इसको तैयार करते हैं, और पुरानी कंक्रीट होती है, और ये हमारे क्या होता है वैज्ञानिक ढंग से एक प्रोपोर्शन होता है या फिर आधुनिक या फिर वैज्ञानिक ढंग से जिसको बोल देते हैं उस तरह से इसको तैयार करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से, ठीक है। दूसरा क्या हमारा आता है कि ये जो हमारे कंक्रीट होते हैं नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, इसकी जो सामर्थ्य होती है इसकी तुलना में अगर देखिए कंट्रोल्ड मिक्स कंक्रीट की तुलना में देखिए, तो जो नॉमिनल मिक्स हमारा होता है इसका सामर्थ्य जो होता है वो कम होता है, मतलब क्या लिख सकते हैं, या कम सामर्थ्य वाले सीमेंट कंक्रीट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, ये कम सामर्थ्य मतलब कि लो स्ट्रेंथ, लो स्ट्रेंथ सीमेंट कंक्रीट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये क्या आता है हमारा हाई स्ट्रेंथ, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ, नाम जाहिर सी हो रहा है कि जब नॉर्मल हमारा साधारण तरीके से मिलाया जा रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ इसकी तुलना में जो कि एक डिजाइन तरीके से बना एक डिजाइन द्वारा बनाया जा रहा है उसकी तुलना में इसकी सामर्थ्य कम होगी और इसकी सामर्थ्य अधिक होती है, ठीक है। तो अब तीसरा क्या होता है इसके लिए जो होता है किसी भी इक्विपमेंट का प्रयोग नहीं करते, किसी भी उपकरण का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, और ये जो हमारा होता है इसमें इक्विपमेंट द्वारा इस कंक्रीट का निर्माण किया जाता है, ठीक है, इक्विपमेंट मतलब क्या होता है उपकरण द्वारा, ठीक है, ये हमारा हो गया कंक्रीट, जो इसके लिए कंक्रीट उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, कंक्रीट उपकरण जो होते हैं कंक्रीट इक्विपमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट बोल देते हैं उसकी आवश्यकता नॉमिनल मिक्स डिजाइन के लिए नहीं करते हैं, और जो कंट्रोल्ड मिक्स कंक्रीट होता है उसके लिए इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और इसके उत्पादन में जो इसका आ जाता है हमारा, ठीक है, इसके उत्पादन में जो हमारा डब्ल्यू सी रेशियो होता है, ठीक है, डब्ल्यू सी रेशियो के अलावा अन्य बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है, डब्ल्यू सी रेशियो के अलावा ठीक है डब्ल्यू सी रेशियो के अलावा अन्य बातों पर ध्यान नहीं देते। डब्ल्यू सी रेशियो का ध्यान क्यों देते हैं, क्योंकि जब तक डब्ल्यू सी रेशियो नहीं सही होगा तब तक सामर्थ्य थोड़ा सा भी हमारा सामर्थ्य बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो सामर्थ्य चाहिए ही होता है इस टाइम कंक्रीट का निर्माण करते हैं, इसलिए डब्ल्यू सी रेशियो हमारा सही होना जरूरी होता है। यहाँ पर क्या होता है कि डब्ल्यू सी रेशियो के साथ साथ अन्य जो हमारे घटक होते हैं उसको भी ध्यान देना हमारा आवश्यक होता है, ठीक है, अन्य घटक भी आवश्यक होते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत ये क्योंकि मार्कर में स्याही थोड़ा कम है नहीं दिख रहा होगा तो आप हम बोल रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है थोड़ा सा। और क्या हो रहा है पाँचवा जो हमारा इसमें आता है कि जो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट होता है, ठीक है, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट के लिए क्या करते हैं कि किसी भी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, इस पर नियंत्रण की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है, हैंडलिंग की आवश्यकता कम पड़ती है, लेकिन ये जो हमारा होता है कंट्रोल्ड मिक्स नाम से पता चल रहा है नियंत्रित मतलब कि इसमें नियंत्रण की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसको हैंडल करना जरूरी हमारा होता है। और जो हमारा सिक्स पॉइंट आता है इसमें विशेष कारीगरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, इसमें विशेष कारीगरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये जो हमारा कंट्रोल्ड मिक्स डिजाइन होता है इसके लिए कुछ विशेष कुशल कारीगर, ठीक है, जैसे टेक्नीशियन की आवश्यकता इसमें पड़ती है, ठीक है, विशेष कुशल कारीगर लिख सकते हैं, विशेष कुशल
कारीगर की आवश्यकता इसमें पड़ती है। और ये जो हमारा इसमें आ जाता है सातवां पॉइंट नॉमिनल मिक्स में, ये क्या होता है, यह केवल साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके साधारण कार्यों के लिए, ये क्या होता है हमारा इस बड़े एवं भारी कार्यों के लिए भी इसको प्रयोग किया, बड़े एवं भारी कार्यों के लिए। बड़े एवं भारी कार्यों के लिए हम कंट्रोल्ड मिक्स या डिजाइन मिक्स का प्रयोग करते हैं। और क्या होता है, इसे जो बैचिंग होती है, बैचिंग आप आपको भी हमने नहीं बताया लेकिन बता दे रहे हैं बैचिंग क्या होती है। ठीक है, यहीं पे हम देख लेते हैं बैचिंग। ठीक है, बैचिंग क्या होता है आपका, कि जो कंक्रीट में बनाते समय हम मिलावे एग्रीगेट्स का अनुपात लेते हैं। ठीक है, एग्रीगेट जो हम लेते हैं वो किस अनुपात में लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, मतलब क्या हो गया कि आयतन के अनुसार लेते हैं कि वेट के अनुसार लेते हैं, किस तरह से हम उसको लेते हैं, वही हमारा बैचिंग कहलाता है। किस प्रकार से हम एग्रीगेट्स को कंक्रीट बनाने के लिए ले रहे हैं, वही हमारा बैचिंग कहलाता है। तो ये जो हमारा नॉमिनल मिक्स होता है, ठीक है, नॉमिनल मिक्स के लिए क्या करते हैं कि जो बैचिंग होती है ये आयतनानुसार, मतलब कि आयतन के अनुसार हम इसमें क्या करते हैं नॉमिनल मिक्स के लिए कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या फिर बोल सकते हैं कि जो मिलावे होते हैं वो उसको लेते हैं आयतन के अनुसार नॉमिनल मिक्स के लिए। और जो हमारा होता है कंट्रोल्ड मिक्स, इसको लेते हैं हम भार के अनुसार, मतलब कि वेट कर करके इसका लेते हैं, जैसे 4 किलो, जैसे 4 किलो सीमेंट हो गया, 10 किलो हमारा बोल देते हैं कि बालू हो गया, 15 किलो मोरंग हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसमें लेते हैं। इसमें 1 मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब, इस हिसाब से आयतन अनुसार हम लेते हैं। तो ये हुआ हमारा नॉमिनल मिक्स कंक्रीट और कंट्रोल मिक्स कंक्रीट में अंतर। ये आप याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि ये जनरल ये हमारे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा आता है, तो ये हमारा हो गया नॉमिनल मिक्स कंक्रीट और डिजाइंड मिक्स कंक्रीट या फिर कंट्रोल्ड मिक्स कंक्रीट। ये दो प्रकार हो गए हमारे कंक्रीट के। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ कंक्रीट ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा टॉपिक आता है, एडजस्टमेंट ऑन साइट। ठीक, साइट पे किस प्रकार से इसका समंजन करते हैं उसको देख लेते हैं, किस प्रकार इसको देखा जाता है, किस प्रकार लिया जाता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। एडजस्टमेंट ऑन साइट, एडजस्टमेंट ऑन साइट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको कि कार्य स्थल पर समंजन, किस प्रकार से इसको समंजित करते हैं, किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं इसको कार्यस्थल पर, जो हमारा कंक्रीट होता है। ठीक है, अब उसको भी देख लेते हैं कि पहला जो इसमें टॉपिक आ जाता है कि बालू का फूलना, किस प्रकार बल्किंग ऑफ सैंड, बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड, हमने आपको पहले बता दिया कि नमी के कारण बालू का फूलना जो होता है वही हमारा बल्किंग ऑफ सैंड कहलाता है। ठीक है, इसको हैंडल करना हमारा बहुत ही जरूरी होता है, उसी हिसाब से हम अपना जो वेट के अनुसार या फिर आयतन के अनुसार इंग्रेडिएंट्स लेते हैं कंक्रीट को बनाने के लिए। देख लेते पहले वो कितना पानी डालने पर कितना फूलेगा, उसी हिसाब से फिर उसका हम कंक्रीट मिक्स करने के लिए लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा आता है इसमें वो क्या आता है, वो होता है वाटर कंटेंट। ठीक है, जलांश, वाटर कंटेंट का भी समंजन हमारा बहुत ही जरूरी होता है। जब बल्किंग ऑफ सैंड, कितना पानी मिलाने पर हमारा फूल रहा सैंड जो बालू है, उसी हिसाब से हम वाटर कंटेंट भी लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वाटर कंटेंट हो गया। किस किस चीज़ का समंजन करते हैं, बस इतना चीज़ हम देख ले रहे हैं कौन कौन सी टॉपिक है और किस किस चीज़ का समंजन कर रहे हैं। ठीक है, वही देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो बल्किंग ऑफ सैंड का समंजन करते हैं, वाटर कंटेंट का समंजन करते हैं, और थर्ड वन जो हमारा आता है वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब क्या हो गया, बाय द एग्रीगेट इसको लिख सकते हैं, बाय द एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट द्वारा वाटर कितना एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसका भी हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं, साइट पर कितना
क्या हमारा जो एग्रीगेट है कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके लिए क्या करते हैं, यदि साइट पर मिला हुआ बहुत अधिक शुष्क हो, ठीक है, बहुत अधिक सूखा हो, तो क्या करते हैं निश्चित मात्रा में जल अवशोषित करना चाहिए। तो यह जो है हमारा, जो अगर एकदम शुष्क मिला हुआ, बहुत ज़्यादा शुष्क मिला हुआ है, तो वो जो हमारा वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए वो अधिक करना चाहिए, ठीक है। इसे निश्चित मात्रा में जल अवशोषित करना चाहिए, जो अलग से मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। अलग से इसमें वाटर मिलाते हैं वो बॉन्डिंग के लिए, ताकि इसमें जो एग्रीगेट होते हैं, एग्रीगेट में जो क्या होता है बॉन्डिंग होती है वो अच्छे से हो जाए, इसलिए इसमें पानी अलग से मिलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और बाकी नेक्स्ट जो हमारा आता है वर्कएबिलिटी का, तो विशेषकर ध्यान ही देते हैं, ठीक है। वर्कएबिलिटी का भी ध्यान देते हैं। कुल मिला जुला के क्या किस चीज़ का लोचा यहाँ पे देख रहे हैं आपको, ठीक है, देखने को मिल रहा है कि बल्किंग ऑफ सैंड, वाटर कंटेंट हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया, वर्कएबिलिटी हो गया। कुल मिला जुला के क्या बात कहना चाह रहा है ये, कि हमें वाटर, ठीक है, वाटर को ही इम्पोर्टेंस दे के चलना है, वाटर को हमें ध्यान में रखना है कि वाटर हम कितना मिला रहे हैं, कितना हमारा वाटर होना चाहिए, कितना उसमें, कितना वो ड्राई होना चाहिए, वो हमारा वेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, वर्कबिलिटी के लिए हमें वाटर की आवश्यकता पड़ती है, कितनी वाटर मिला कि उसकी वर्कबिलिटी अच्छी हो, ठीक है। तो ये सब हमारे कुल मिला जुला के हमें वाटर के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, कि वाटर कंटेंट जो हमारा, वाटर जो है एक कंक्रीट में वो हमारा अच्छे से होना चाहिए। वाटर का ध्यान हमें वाटर का ही एडजस्टमेंट करना रहता है साइट पे ज़्यादातर, ठीक। तो ये हमारा हो गया कि एडजस्टमेंट ऑन साइट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारा आता है यह था इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स के लिए, डिजाइन मिक्स हेतु तो आवश्यक जानकारियाँ, ठीक है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन मिक्स। मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा आज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से आपको अच्छे से दिखाई देगा। हाँ, तो बाकी हम तो बोल रहे हैं आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो देखते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स हेतु जो हमारे आवश्यक जानकारियाँ होती, कुछ आवश्यक जानकारियाँ उनको भी देख लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट आ रहा था कि मिक्स का टाइप अर्थात डिजाइन मिक्स कंक्रीट, ठीक है, या नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। मिक्स का टाइप जो है वो हमारा डिजाइन मिक्स कंक्रीट है कि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, पहले इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लिखने रहे हैं आपको, ऐसे बता दे रहे हैं, आप कॉपी पेन लेके बैठिए और थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है। अभी आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। तो पहला जो इसमें आता है वो क्या आता है हमारा, ठीक है, पहला आता है मिक्स का टाइप, ठीक है, कि हमारा वो कौन सा मिक्स है, डिजाइन मिक्स है या फिर नॉमिनल मिक्स है या, ठीक है, इन दोनों में से क्या होना चाहिए। दूसरा क्या आता है कि ग्रेड कैसा है हमारा, ठीक है, ग्रेड M20, M15 है, M10 है, ठीक है, कौन सा ग्रेड हमारा यूज़ किया जा रहा है। और थर्ड जो हमारा आता है सीमेंट का, सीमेंट कौन से प्रकार, किस प्रकार का सीमेंट उसमें यूज़ किया गया, कौन सा सीमेंट उसमें यूज़ किया गया, ठीक है, इन सब के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है इसमें, नेक्स्ट क्या आता है इसमें, मिलावे का अधिकतम नॉमिनल साइज, मिलावे की साइज है, ठीक है, जो हमारा मिलावा एग्रीगेट यूज किया जा रहा है कंक्रीट बनाने में, चाहे वो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट हो और चाहे फिर वो कंट्रोल्ड मिक्स कंक्रीट हो, उसका जो साइज है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। यही सब की जानकारी हम यहाँ पे करते हैं। और क्या क्या जानकारी करते हैं, अधिकतम वाटर सीमेंट रेशियो की जानकारी करते हैं, वाटर कंटेंट की जानकारी रखते हैं, वर्कबिलिटी की जानकारी करते हैं, और क्या आता है मिक्स अनुपात की का, मतलब कि जो मिक्स अनुपात ले रहे हैं उसकी भी जानकारी रखते हैं, मतलब सारी चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए। डालते समय कंक्रीट का अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए, जाकर कंक्रीट के मिलाने, संघनन अंतराय का प्रावधान, निर्माण स्थल पर पर्यावरण एक्सपोजर, ठीक है, और कंक्रीट डालने की विधि कौन कौन सी है, कार्य निरीक्षण का स्तर किस प्रकार से होना चाहिए। तो इन सारी बातों पर हम ध्यान रखते हैं जब हम साइट पर कंक्रीट को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे हो गए, 9-10 पॉइंट हो गए, इसको आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, पहला
पहला जो इसमें आता है वो क्या आता है हमारा, कि कंक्रीट किस टाइप्स का है, किस टाइप का है वो, मतलब कि कंट्रोल्ड मिक्स कंक्रीट है या फिर नॉर्मल मिक्स कंक्रीट है। दूसरा जो हमारा ग्रेड, किस ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं, M20, M15 और M10 किस ग्रेड का कंक्रीट है, ठीक है। इस प्रकार सीमेंट नेक्स्ट लिख सकते हैं आप, सीमेंट का प्रकार लिख सकते हैं। और फोर्थ आप लिख सकते हैं मिलावे का अधिकतम नॉमिनल साइज भी लिख सकते हैं, जैसे 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, ठीक है। और आप लिख सकते हैं वाटर सीमेंट रेशियो लिख सकते हैं, जिसका वाटर कंटेंट लिख सकते हैं, वर्कबिलिटी लिख सकते हैं, मिक्स अनुपात लिख सकते हैं, मिक्स प्रपोर्शन लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं, ठीक है। और कंक्रीट का अधिकतम तापमान, कंक्रीट को पोर करते समय, कंक्रीट को बिछाते समय अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए, ये सारी बातें हैं जो कि हमें कंक्रीट में डिजाइन करते समय, आप साइट पर डिजाइन करते समय में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं, ठीक है, मेथड्स ऑफ पोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है। जो कंक्रीट का अनुपातन हम करते हैं, कंक्रीट का अनुपात लेते हैं, कंक्रीट को बनाते हैं, उसकी कौन कौन सी विधियाँ होती है, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ कंक्रीट प्रोपोर्शनिंग, मेथड्स ऑफ कंक्रीट प्रोपोर्शनिंग जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मेथड्स ऑफ प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट, मेथड्स ऑफ प्रोपोर्शनिंग, एक मिनट, ठीक है, देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रोपोर्शनिंग, ऑफ कंक्रीट मिक्स, कंक्रीट मिक्स का जो हमारा प्रोपोर्शन होता है उसकी कौन कौन सी विधियां होती है इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहले जो इसमें आती है आर्बिट्रेरी बैरोमेट्रिक मेथड, स्वैच्छिक अनुपातन विधि, आर्बिट्रेरी वॉल्यूमेट्रिक मेथड। सेकेंड वन जो हमारा आता है वो होता है न्यूनतम खाली स्थान, मिनिमम वाइड, मिनिमम वाइड्स मेथड। थर्ड वन जो आता हमारा वो होता है मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड। थर्ड फोर्थ हमारा आता है ट्रायल मिक्स मेथड, फिफ्थ जो हमारा आता है होता है फाइननेस मॉडुलस मेथड, और छठवां जो हमारा आता है, छठवां कहता है वाटर सीमेंट रेशियो मेथड, वाटर सीमेंट रेशियो मेथड, ठीक है। पहला जो हमारा हो गया आर्बिट्रेरी मेथड, आर्बिट्रेरी वॉल्यूमेट्रिक मेथड, दूसरा मिनिमम वाइड्स मेथड, तीसरा मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, चौथा ट्रायल मिक्स मेथड, पांचवा फाइननेस मॉडुलस मेथड, और छठा जो हमारा आता है वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो मेथड, ठीक है। इसमें जो हमको पढ़ना है ये पढ़ना है आर्बिट्रेरी मेथड, और ये पढ़ना है फाइननेस मॉडुलस मेथड, और देख लेते हैं हम सारी चीज़ों के बारे में, हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देंगे, और ठीक है।
सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम 6 मेथड्स के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं आपके लिए, ठीक है। आई होप कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आपसे, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको वहाँ से नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।